हेलो फ्रेंड्स, राजू और ड्रेस डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सलवार के पोंचे का डिज़ाइन। उसके अंदर मैं लेस यूज करूंगी और जो हम नॉर्मली पोंचा बनाते हैं उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करते हैं फोम या फिर बकरम डाल के, लेकिन मैं इसको बाहर की साइड फोल्ड करूंगी क्योंकि हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे, मतलब अंदर की साइड हम लेस लगाएंगे बीच में कपड़े के और उसके जो पोंचा हम बनाएंगे उसके बीच में। तो सबसे पहले हमने कपड़ा उल्टा रखना है जिस भी कपड़े के ऊपर हमने लगानी है, और लेस हमने सीधी रखनी है, राइट साइड हमने लेस की रखनी है, मतलब सलवार का जो कपड़ा ले रखा वो और जो जिससे हम पोंचा बना रहे हैं वो वाला कपड़ा, वो दोनों हमने उल्टा रखने हैं अपनी साइड, उल्टे उनका फेस जो हमारे साइड होगा तो उल्टा होना चाहिए, और जो बीच में हम लेस रखेंगे वो हमने सीधी रखनी है, वो उल्टी नहीं रखनी, वो हमने सीधी रखनी, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक बाहर की साइड वो सीधी हो जाएगी और पाइपिंग के जैसे हमारी बिल्कुल बाहर की तरफ दिखाई देगी। और सिलाई हमने आधी लेस पे लगानी है, लेस की चौड़ाई हमारी आधा इंच के करीब है, लेकिन हमने थोड़ा सा बाहर की साइड बिल्कुल 2 या 3 सेंटीमीटर के जितना हमने दिखाना है। तो ये हमारी सिंगल सिलाई लग चुकी है और ये बाहर की साइड लेस भी हमारी इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब हम इसको जो फोम है वो डाल लेंगे और हमने आधा इंच की चौड़ाई पे ये सिलाई लगानी है दूसरी। ये हमने लेस इसमें लगा ली थी, अब हमारी जो सिलाई है वो भी लग चुकी है। तो ये हमारी, ये देखिए सिलाई, एक साइड की सिलाई फिनिश हो चुकी है। अब हमने दूसरी साइड जो बाहर की साइड हमारा पोंचा दिखाई दे रहा है इसको कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बीच में हम लेस को रखेंगे, और लेस हमारी सीधी होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए, और लेस हमारी सिर्फ उतनी ही दिखाई देनी चाहिए जितनी हमारी नीचे की साइड दिखाई दे रही है, जो हमने नीचे की साइड बाहर निकाल ली है उतनी ही हमारी ऊपर की साइड दिखाई देनी चाहिए। तो ये हमारी दूसरी साइड से भी जो एक सिलाई हमने लगाई है वो बिल्कुल टॉप पे लगी है। अब हम इसको जो हमने आधा इंच दूरी पे सिलाई दूसरी साइड नीचे की साइड लगाई थी ये वाली सिलाई, सेम ऐसी ही सिलाई हमने दूसरी साइड लगानी है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा मोरी में साइडों में से निकलेगा पोंचे से वो हम उसको साथ के साथ कट कर देंगे। तो ये हमारी दोनों साइड सिलाई लग चुकी है, बस यहाँ पे हमारे टॉप स्टिच देना रहता था तो वो भी हम टॉप स्टिच इसकी जो ऊपर की सिलाई है वो लगा देंगे। अब जो दोनों साइड हमारी लाइंस बनी हैं इन दोनों को बीच में जो गैप है उसके अंदर हम लहरियाँ फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है वो बारीक लहरियाँ नहीं है, बड़ा लहरियाँ दिया है, तो आप चाहें तो बारीक लहरियाँ भी बना सकते हैं। फिर हमारी जितनी भी ये खाली जगह बचेगी मोरी की, इसकी पोंचे की, उसके अंदर से बीचों बीच हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये 1.25 इंच के करीब बीच में बच रही थी, 1.25 इंच एक साइड और 1.25 इंच दूसरी साइड। तो अब हम यहाँ पे जो निशान लगाया है यहाँ पे इससे 1/2 इंच दूरी पे ये सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये हमारा एक पोट टाइप जैसे गमला बनता है, जैसे ग्लास की शेप होती है वो शेप बनती है, तो उसी तरीके से बनेगा। तो हमने पहले ऐसे सिलाई लगानी है नीचे से, फिर ऊपर लेके आना है, फिर ऊपर से हमने थोड़ी चौड़ाई इसकी कम रखनी है, नीचे साइड हमने ज़्यादा रखनी है, और जो लाइन हमने लगाई है इससे 1/2 इंच दूरी पे ही ये जो सीधी सिलाई लग रही है ये हमने लगानी है। तो इस तरीके से हमने पूरी मोरी को फिल करते जाना है और ध्यान रखने की जो भी हमारी शेप्स बन रही हैं तो ये हमारी बराबर आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की शेप बनेगी, ये देखिए मैं चौक से बना के दिखा रही हूँ आपको, नीचे से थोड़ा चौड़ाई में और ऊपर से थोड़ा सा चौड़ाई इसकी कम हो जाएगी। तो ये मैंने पूरी एक साइड की इसमें बना दी है। अब हम सेम जो हमने ये इस साइड बनाई है दूसरी साइड भी हम सेम यही शेप्स बना देंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो दूसरी साइड से बनाएंगे तो जो पहले वाले के कॉर्नर निकले थे उसी कॉर्नर में से हमने दूसरे का कॉर्नर निकालना है, और जो हमारा निशान लगा हुआ है इसी निशान पे से हमने इसको दोबारा से इसको सिलाई चलानी है। तो ये हमारी शेप से सारी सेम बन जाएगी इस तरीके से। अगर हम दोनों साइड से इसको डिज़ाइन को अच्छे से बनाएंगे बराबर बनेगा, तो बीच में हमें एक लीफ मतलब एक पत्ती टाइप की जो होती है वो बन जाएगी। तो ये हमने दूसरी साइड भी अपना जो डिज़ाइन बनाना था, जो शेप देनी थी वो कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें ये जो शेप्स हैं वो दिखाई देंगी और बीच में से एक लीफ मतलब एक पत्ती सी बन जाएगी। अब इसके अंदर हम फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे, तो ये मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं,
और इसके लिए आप इसमें अगर किसी पतली सी जैसे जो हमारे ईयरबड होता है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर पैन खाली होता है उससे भी छोटे छोटे डॉटेड बना सकते हैं, और अगर किसी के पास मंडाला आर्ट वाले टूल हैं तो उससे भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमने पूरी मोरी में ये फिल करना है जो हमारे डॉटेड है कलर से, वो लगाने हैं। और हमने इसको फिर 2 या 3 दिन के लिए ऐसे छोड़ देंगे सूखने के लिए, उसके बाद हम इसको धो सकते हैं। और हमने ज़्यादा जैसे जिस भी कपड़े पे हम कलर करते हैं एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर, तो उस कपड़े को हमने गर्म पानी में नहीं धोना होता और ना ही हमने उसको मशीन में धोना होता, नहीं तो ये थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, अदरवाइज़ ये लंबे टाइम तक चल जाता है कलर। ऐसी बात नहीं कि एक दो बार में धोने से निकल जाएगा। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो इसके साइड में बना था बीच में, मतलब जो लीफ बनी थी उनके साइड में बना था, वहाँ पे भी हम फिल कर देंगे। और कलर हमने ना ही तो ज़्यादा लेना है और ना ही कम लेना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो जो हमारी डॉटेड बन रही है वो सेम साइज़ की नहीं बनेगी और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी, और अगर हम कम ले लेंगे तो उसके लिए हमें फिर दोबारा से लेना पड़ेगा। तो हमने जो कलर लेना है जिस टाइम कलर में ये सिलाई डिप करनी है, तो उस टाइम हमने थोड़ा ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा सूखने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।